बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज की वीडियो इस टॉपिक के मतलब है, इस टॉपिक पे है कि हमने इम्यूलेटर कैसे इंस्टॉल करना है। अब देखिए, इम्यूलेटर है क्या असल में, आपको अगर इस चीज़ की भी समझ बूझ लेना है, इम्यूलेटर है क्या असल में। इम्यूलेटर बेसिकली मैं आपको रन करके दिखाती हूँ कि जो मेरे पास रन हो रहा है। चलिए हम पहले एक फाइल बना लेते हैं, ठीक है। पहले एक नया, जैसे आपने एक नया प्रोजेक्ट खोलना है, सबसे पहले आपने अभी तक क्या काम किया है कि एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल किया हुआ है। हम एक नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, माय एप्लीकेशन ही नाम रखते हैं, क्योंकि चूँकि इसका कोई ख़ास मकसद नहीं बनाने का, तो कोई ख़ास नाम भी नहीं होगा इसका। ओके ये जनाब हमारा बिल्कुल नया प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब ये देखिएगा, ये बिल्कुल थोड़ी देर के लिए आएगा आपको, ये थोड़ी देर के लिए नहीं, आपको अभी हमेशा के लिए आएगा जब तक आप इम्यूलेटर इंस्टॉल नहीं कर लेते, ठीक है। ये देखिए, अब मैंने चूँकि पहले से इम्यूलेटर इंस्टॉल किया हुआ है, तो ये मेरी एप्लीकेशन जो कि वर्चुअल, मेरे जो वर्चुअल डिवाइस मैंने एम्बेड की हुई है, वो मुझे यहाँ नज़र आ रही है, लेकिन आपको नहीं आएगी क्योंकि आपने अभी करनी है इंस्टॉल, ठीक है। आपकी यहाँ नो डिवाइस फाउंड आ रहा, नो डिवाइस आ रहा होगा, और यहाँ रन का बटन, प्रोबेबली यहाँ रन का बटन आ रहा होगा। जब आप रन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो रन होने पे एक पॉपअप शो होगा जो कि कहेगा कि नो टारगेट डिवाइस फाउंड। अब ये तो परेशानी है, आपको, आप कह रहे हो कि अच्छा भला काम कर रहे हैं, हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिख रहे हैं, लेकिन वो तो रन ही नहीं हो रहा। इसके लिए करना ये था कि आपको इम्यूलेटर इंस्टॉल करना होता है। मैं चूंकि इसको रन कर रही हूँ सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए कि इम्यूलेटर असल में है क्या, मतलब तो चीज़ को हम सिर्फ जाके फ़ौरन उसी चीज़ को नहीं जाती कि हमें ये ज़रूरत है, हमें ये करना, पहले सीखना होता है ना कि हमें उस इम्यूलेटर, अगर लोगों ने बताया कि भाई आपको एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल कर लिया तो आपको इम्यूलेटर भी इंस्टॉल करना है, ये भी तो क्वेश्चन अराइज होता है ना, क्यों करना है, क्या काम है, उसके बगैर क्यों काम नहीं हो सकता। एनीवेज अब ये रन होगा, मसला ये है कि 8GB रैम के साथ मैं काम कर रही हूँ, और 8GB रैम में वर्चुअल जो डिवाइस हम करते हैं तो वो बहुत मुश्किल से चलती है, लेकिन बहरहाल चला सकती हूँ मैं, जो कि चल भी रही है। ओके जी, ये है आपका काम, नो वे। ओके 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 ओके, मुझे नहीं चाहिए वो इंटरफेस फिलहाल। चलो, स्टेट जिस पे मैंने ये काम पीछे छोड़ा था उसी में ये मुझे दोबारा मेरी स्टेट लोड करेगा, क्योंकि मैं इसको कंफ्यूज कर गई हूँ बिल्कुल बेचारे को, ये मैं अपने आप को भी कंफ्यूज कर गई, अब मेरा सिस्टम बहुत स्लो हो जाएगा, मैंने अनएक्सपेक्टेडली उसको बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शन दे दी। एनीवेज, हम इम्यूलेटर की बात करते हैं कि इम्यूलेटर क्या है। देखिए, जब आप एंड्रॉयड स्टूडियो की डिवेलप, एंड्रॉयड स्टूडियो पे डिवेलपमेंट की बात करते हैं ना, तो एक वाजी सी एनालॉजी या एक वाजी सी बात सामने आती है कि आप मोबाइल एप्लीकेशन डिवेलपमेंट की बात भी कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मोबाइल एप्लीकेशंस, हाँ जी भाई, मोबाइल एप्लीकेशंस, तो जब आप मोबाइल एप्लीकेशंस बनाते हैं तो आपको उसको रन भी उसी डिवाइस पे करना है जिस पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका क्लाइंट भी उस पे यूज़ करेगा एप्लीकेशन को, ठीक है। आपका क्लाइंट आप मोबाइल्स पे जो चीज़ यूज़ करेगा, आप उसको लैपटॉप पे तो रन करने से, रन करके देखने से रहे, तो अब क्या होगा कि आपके सामने हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। आप अपनी एप्लीकेशन जो आप क्रिएट कर रहे हो उसको एक काम करो, USB पकड़ो। अच्छा, USB वो जो पोर्ट है उसके साथ आप अपने क्या करना है, अपना मोबाइल या लैपटॉप के साथ कनेक्ट करना है, और आपने अपनी ऐप को रन कर लेना है अपने फिजिकल हैंड डिवाइस मोबाइल में। लेकिन आप चाहते हो कि भाई मैंने उसको इन्वॉल्व नहीं करना इधर, वेट वेट गो बैक, ये ओके ठीक है, माय एप्लीकेशन रन होनी है, ठीक है ठीक है। तो क्या था कि आपने अब क्या करना है, सॉरी मैं अपनी सभी बातें कर रही हूँ क्योंकि इस टाइम मैं बहुत ज़्यादा वाला एक लॉजिक बना रही थी जो कि मुझे इसने बहुत ज़्यादा खपा दिया। तो एनीवेज, हम आप इसमें आते हैं दोबारा से। तो जब आपने उसको, आपने कहा कि मैंने उसको इन्वॉल्व नहीं करना, तो एंड्रॉयड स्टूडियो कहता है कि आप लोग एक काम करो, एक वर्चुअल डिवाइस ले लो, वो एक मोबाइल है, ठीक है, आप एंड्रॉयड स्टूडियो बंद कर दो, इसको बंद कर दो, लेकिन ये फिर भी आपके पास हो, ठीक है। तो इस पे आपकी जो, मैं बताती हूँ कि मैंने, सॉरी मैं बताती हूँ कि मैंने जो अभी तक थोड़ा बहुत इसको टेस्ट किया हुआ है, तो हमारे पास एप्स इंस्टॉल हुई भी पड़ी हैं, ठीक है। ये देखिए, ये जो ग्रीन ग्रीन है ना, ये सारी एप्स हैं वो जो हमारी बनी होती हैं, हमने यहाँ टेस्ट की होती है। अब हम, आपके पास तो चूँकि ये नहीं आ रहा,
इन्वर्टर का मकसद क्या है कि वर्चुअल डिवाइस, वो डिवाइस जो असल में एग्जिस्ट नहीं करती बट आपको असिस्ट करने के लिए एक हमने वो जो इन्वायरमेंट दिया हुआ है कि आप उसको रन कर लें। तो ऐसी वर्चुअल डिवाइस जिसपे आप अपने ऐप्स रन करनी है, तो आपने उसको अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में कैसे इनेबल करना है। हम करते हैं, पहले मैं इसको क्रॉस कर लूँ, बल्कि मैं इसको क्रॉस नहीं करती क्योंकि वो टाइम बहुत लग जाएगा इसको बंद होते हुए, इसलिए बहुत स्लो हो जाना है। आपने जाना है टूल्स पे, टूल्स पे आपने जाना है AVD मैनेजर पे, ठीक है। एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस शायद इसकी मुखफ्फफ की मतलब शायद यही है, शायद आप सर्च कर सकते हैं। अच्छा, जब हम इस पे आएंगे, अभी देखिए मेरे पास एक पहले से इमुलेटर जिसपे मैंने अभी अभी आपको ये डन करके दिखाया है, ये मेरे पास पहले से इंस्टॉल है, पहले से इम्बेड है, या आप कह लें पहले से डाउनलोड है, डाउनलोड कह लें, इमुलेटर पहले से डाउनलोड पड़ा हुआ है मेरे पास, ठीक है। आपने अपना डाउनलोड करने के लिए, आपके पास ये बिल्कुल नहीं आ रहा होगा, आपने इधर आना है, क्रिएट वर्चुअल डिवाइस पे आना है। अभी देखिए एक बात आपको मैं बता दूं कि अच्छा, यहाँ से कैटेगरी से आपने कैटेगरी डिफाइन करनी है कि आप किसके लिए एक इमुलेटर इंस्टॉल करनी है। आपकी ऐप का जो इमुलेटर है, आप चाह रहे हैं कि क्या वो टीवी पे चलने वाली ऐप होगी, टीवी की स्क्रीन बड़ी होती है ना, तो क्या वो टैबलेट पे चलने वाली होगी। हम भाई फोन पे करते हैं। अच्छा, फोन पे मैंने कहा करते हैं, तो अब हमें रिकमेंडेड सेटिंग्स, रिकमेंडेड जो पता चला है एंड्रॉयड स्टूडियो बता रहे हैं, उसी को डाउनलोड करके आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चले जाते हैं। आपके पास भी जरूर एक ब्लू इस तरह की लाइन, आप भी नेक्स्ट पे आ जाना है क्योंकि वो आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको रिकमेंड कर रहा था। अच्छा, मैंने नेक्स्ट किया। अब देखिए मेरे पास वो चीज जो मुझे पहले से रिकमेंड कर रहे थे जब मैंने सबसे पहले अपना इमुलेटर डाउनलोड किया था, तो अब आपको भी रिकमेंड किया उसने, लेकिन आपने चूंकि पहले डाउनलोड नहीं किया, आप तो फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, तो आपके पास यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा होगा। जैसे कि मैं यहाँ करती हूँ, तो ये सॉरी मुझे डाउनलोड नहीं करना, कैंसल, ठीक है ना, वो कैंसल हो गया, लेकिन आपको वो चलनी है पट्टी। अच्छा, मैं करके दिखा देती हूँ, फिर ये डाउनलोडिंग स्टार्ट। अच्छा, आपने ये नहीं कर देना कि भाई ये तो हो नहीं रहा, ये क्यों नहीं हो रहा, डाउनलोडिंग ऑलवेज टेक्स टाइम, तो आपकी भी रहेगी, ऑब्वियसली रहेगी। मैं इसको कैंसिल करती हूँ क्योंकि मुझे नहीं करना इसको डाउनलोड। तो मेरे पास पहले से, जब आपके पास डाउनलोड हो जाएगा तो आपने क्या करना है, नेक्स्ट पे आना है। आपके पास इस तरह का जब आर्ट शो हो जाएगा ना, ठीक है, क्यू शो हो जाएगा जिसके सामने डाउनलोड नहीं आ रहा, तो आपने वहां से डाउनलोडिंग फिनिश करके दोबारा इसको जब खोलना है, तो यहाँ आपके पास नेक्स्ट का बटन हाईलाइट होगा, नेक्स्ट पे आ जाए। अब आपने क्या करना है जी, लैंडस्केप चाहिए, पोर्ट्रेट चाहिए, ये सिलेक्ट कर लें, कुछ भी, मैंने कुछ भी सिलेक्ट करना नहीं है, बस फिनिश करें यहाँ से आप। अच्छा, जब आप फिनिश कर लेंगे, एक आपको और दस्का लगेगा थोड़ा छोटा सा, जल्दी फिनिश हो जाओ। अच्छा जी, ये है आपको दस्का, ये ओ माय गॉड, मेरा सिस्टम ना खराब हो जाए, ये डाउनलोड नहीं हुआ हुआ था, इसकी टेंशन लेने से हैरान नहीं होना था वैसे भी। अब क्या सीन है कि आपके पास यहाँ आ रहा होगा विचुअलाइजेशन डिसेबल है, सो आपका ये काम नहीं कर रहा। अपने से फटाफट इसको करके तो वहां जाके ऐप नहीं रन करनी, और फिर कहना है कि ये क्या, ये तो हमारा अभी भी रन नहीं हो रहा, अभी भी कह रहे हैं नो टारगेट डिवाइस फाउंड। अभी भी इसलिए कह रहे हैं कि मेजोरिटी ऑफ यू के सिस्टम में विचुअलाइजेशन डिसेबल होगी, आपने जाना है उसको इनेबल करना है। अब उसको इनेबल कैसे करना है, देखिए ये गूगल है, इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। गूगल पे आपने लिखना है कि हाउ टू एंटर इनटू बायोस फॉर इनेबलिंग वर्चुअलाइजेशन। अच्छा, कौन सा लैपटॉप है आपका, मेरा तो HP है, HP लैपटॉप, ठीक है। अब गूगल आपको बिल्कुल तरीका बताएगा, गूगल बता रहा है आप ये करें, वो ये भी बता रहा है सिस्टम को ऑन करें, रिपीटेडली आपने एस्केप की प्रेस करनी है, आपने भी FT 10 की प्रेस करनी है, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ यू चूंकि IT से ताल्लुक रखते हो, क्योंकि एंड्रॉयड स्टूडियो अगर मेरी वीडियो में, अगर क्योंकि मेरी ऑडियंस वैसे ही काम होती है, कोई आ रहा है तो वो आई होप कि वो IT बैकग्राउंड से होता है, तो उसको तो वर्चुअलाइजेशन इनेबल करना आती होगी, ठीक है। उसके बाद आप एक और चीज़ कर सकते हो कि एक शेल कमांड सर्च कर लो। शेल की एक कमांड है
for enabling Hyper-V Micro. I hope कि वो मुझे मिल जाए जो कि मैंने आज ही सर्च की थी. Yes, beautiful. ये माइक्रोसॉफ्ट की एक, अगर आपको की नहीं मिल रही है, अगर आप की ट्रायल टाइम पे प्रेस नहीं करते हैं, तो आप बायोस में नहीं एंटर हो पाते हैं, तो आपने यहाँ से आना है और आई थिंक पावर शेल की ये ठीक है. ये वाली कमांड है, आपने एज इट इज रन कर देनी है. कैसे करनी है, सबसे पहले अपना पावर शेल खोले. पावर शेल कैसे खोलना है, यहाँ से आए, यहाँ लिखिए पावर शेल खुल जाएगा. उसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है, नॉर्मली रन नहीं करना है. और ये कमांड एज इट इज कॉपी पेस्ट कर सकते हैं तो कर लें, और लिख सकते हैं तो लिख लें, लेकिन एज इट इज लिखनी है. और आपकी वो जो है ना, उसके बाद आपने क्या करना है, रिस्टार्ट करना है. ठीक है, दो तरीके हैं भाई उसके. तो फिर आपका क्या होगा, आपके पास ये जो है, यहाँ वर्चुअलाइजेशन वाला मसला, रिस्टार्ट करेंगे तो कोई मसला नहीं आ रहा होगा, और आपका जो हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम है वो बिल्कुल रन हो जाएगा. ठीक है, ये थी आज की हमारी छोटी सी, वेरी कैजुअल सी वीडियो, जिसको मैंने बिल्कुल रिकॉर्ड करते हुए ये नहीं सोचा कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, मुझे काम बोलना है. और